आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरें। इस वक्त सबसे बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से आ रही है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अमेरिका से नौसेना के लिए खरीदे जाने वाले 16 हेलीकॉप्टरों की डील को रद्द कर दिया है। यह डील 6500 करोड़ की थी और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से ठीक ऐन पहले इस डील को कैंसिल किया गया है। दूसरी बड़ी खबर स्वामी रामदेव से जुड़ी है। सिर कलम कर देने के भड़काऊ बयान के मामले में स्वामी रामदेव के खिलाफ हरियाणा की एक अदालत में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। स्वामी रामदेव ने कहा था कि अगर कोई भारत माता की जय नहीं बोलता है तो उसका सर कलम कर दिया जाना चाहिए। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट ईद के मौके पर पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में बांग्लादेश के साथ हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग ले ली है। अगर भारत आज का मैच जीत जाता है तो फाइनल में उसका मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा, जो कि अब तक इतिहास में पहली दफे होगा। दिन भर की बड़ी खबरों में आज फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आप hindi.firstpost.com।